चाहता हूं कि हमारे जो भी प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने हमेशा देश के लिए अपने लिए कोई भी नहीं लड़ा, देश के लिए। इसीलिए तो लाल बहादुर शास्त्री क्या स्लोगन दिए थे, क्या बोले थे, इस देश के नौजवानों को, जवानों को यही बोला, देश बचाना है तो जय जवान जय किसान। किसने बोला? अरे ये तो कांग्रेस वाला लाल बहादुर शास्त्री जी ने बोला। इनको जवान भी मालूम नहीं, किसान भी मालूम नहीं, सिर्फ इनको आरएसएस का एजेंडा मालूम है। दूसरा क्या मालूम है इनको बोलू? कोई आरएसएस में किसान नहीं है, बीजेपी में कोई किसान नहीं है, इसीलिए किसानों का दर्द उनको मालूम नहीं। किसानों को डराते रहेंगे। उसके बाद हमारे हरियाणा वासी के जो भाई काम करते हैं वो हमेशा दिल से करते हैं, अपने दिल से अपना खून पसीना बहा के काम करते हैं, और ये लोग फुकट के खाते बैठते हैं। अदानी अंबानी ऐसे लोगों को मदद करते हैं, किसानों को नहीं। लेकिन मनमोहन सिंह के जमाने में जब यूपीए सरकार हमारी थी, सोनिया गांधी हमारी नेता, इन्होंने किसानों का कर्जा माफ कर दिया। 72,000 करोड़ रुपए उन्होंने कर्जा माफ किया हमारे मनमोहन सिंह जी और सोनिया गांधी। तो इसीलिए मैं एक इस बार लोग को ध्यान से बैठे हैं, किसी ना किसी तरीके से हम इस बार कांग्रेस को जिता के रहेंगे, ये वायदा जनता का है।